हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ छोले मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी इतना आसान तरीके से और इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ, जो एकदम झटपट बन भी जाए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। फिर ये छोले आप चाहे पूरी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, हर तरह से टेस्टी ही लगते हैं। तो चलिए फिर फटाफट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिए है 500 ग्राम छोले या फिर चने, आप जो भी कहते हो, और इसे पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। इससे छोले अच्छे से फूल जाते हैं। अगर आप पूरी रात के लिए नहीं भिगाना चाहते तो आप दिन में भी इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं गर्म पानी में। फिर सबसे पहले हमें छोले को बॉयल करना है, तो हम कुकर में इसे बॉयल कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे, मैं 1 लीटर पानी यूज़ कर रही हूँ। फिर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। फिर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगाकर इन्हें बॉईल कर लेंगे। ये छोले भी हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, छोले भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, ये एकदम परफेक्टली गल भी गए हैं। इनमें जो पानी है इसे फेंकिएगा मत, ये हम बाद में ग्रेवी में यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट अब हम ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1/2 कप ऑयल, यानी कि 120 ml। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता। 4 से 5 सेकंड के लिए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फिर लेंगे 2 प्याज का पेस्ट, प्याज को भी हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, कुछ सेकेंड के लिए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, प्याज भी अच्छे से भून चुकी है, इसका कच्चापन भी निकल चुका है। अब हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट, टमाटर को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। लेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून लेंगे सौंफ धनिया का पाउडर, साबुत सौंफ और साबुत धनिया को हमने एक साथ पीस लिया था। फिर लेंगे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा छोले उबालने में भी नमक यूज़ किया गया है। 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला। सब मसालों को 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिएगा, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और मसालों से अच्छी खुशबू आने लग जाए। जब साइड से ऑयल छूटने लग जाए और मसालों से खुशबू आने लग जाए, तब समझ लीजिएगा मसाला अच्छे से भून चुका है। देखिए, मसाला भी कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ऑयल भी साइड से छूटने लग गया है। हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल छोले। फिर हम सारा छोले का पानी इसमें ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे फिर से कुक कर लेंगे। आप चाहे तो इसका कलर चेंज करने के लिए इसमें चाय पत्ती का कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो आप थोड़े से छोले लीजिएगा और इसे मैश कर लीजिएगा। आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, मैं थोड़े कम ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं मैश कर रही हूँ। जितनी थिक ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से छोले ले सकते हैं। सारे मैश किए छोले हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे, या फिर आपने जो मिक्सर में पीसे होंगे सब ऐड कर दीजिएगा, और ग्रेवी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। बॉयल आने तक हम इसे फिर से कुक कर लेंगे। देखिए, छोले मसाला बिल्कुल रेडी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। छोले भी बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, ये रेडी है बिल्कुल, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करते टाइम आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।